मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही अब प्रदेश ऐसे इलाकों में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं जो अभी तक सुरक्षित माने जा रहे थे। ऐसा एक मामला बैतूल जिले की चिचोली विकासखंड का है, जहां एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मुंबई में टेंट हाउस में काम करने वाले चार युवक बैतूल जिले के रोजड़ा लौटे थे, जिनका स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। इन चारों में से एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल कोरोना पीड़ित मरीज छात्रावास में आइसोलेट किया गया है। वहीं संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। इसकी जैसे प्रकार जो है कोरोना पॉजिटिव के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। उनके लिए जो है सेपरेट रूम की व्यवस्था है और सभी जो है विभाग के सहयोग से हम जो है उनका नियंत्रण कर रहे हैं। ये मुंबई से चार लोग आए हुए थे, 30 तारीख को ग्राम रोजड़ा पहुँचे और 2 तारीख को उसमें से चारों के चारों बैतूल जाके उन्होंने सैंपल दिए, जो 3 तारीख को पॉजिटिव आया। तो उसमें कितने लोग थे? एक ही का पॉजिटिव आया, मनीष एक का। हाँ, और अपने ब्लॉक से एक ही है सर? हाँ, ब्लॉक से एक ही। हाँ, और बाकी के सर? अभी बाकी के जाएंगे, उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। अभी नहीं आई है? अभी भेजे नहीं है। कल रात को ही ले आए थे और जहाँ उसका 10 दिन उपचार चलेगा उसकी खबर हम समय समय पर देते रहेंगे जी। कोविड सेंटर में रखे हैं? हाँ, कोविड। कहाँ बनाए हैं सर? बायस हॉस्पिटल में। बायस हॉस्पिटल में। हाँ।